आजादी के बाद जन्मा हुआ मैं पहला व्यक्ति था जिसको लाल किले से देशवासियों का गौरव गान करने का अवसर मिला था। लेकिन मेरे दिल में जो भी आप लोगों से सीखा हूं, जितना आप लोगों को जान पाया हूं मेरे देशवासियों, आपके सुख दुख को समझ पाया हूं, देश की आशा अपेक्षाओं के भीतर वो कौन सी आत्मा बसती है उसको जितना मैं समझ पाया हूं, उसको लेकर के मैंने अपना पूरा कालखंड देश के उन लोगों को एम्पावर करने में खपाया। मेरे दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, दिव्यांग हो, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, समुद्र का तट हो, हिमालय की कंदराएं हो, हर कोने में महात्मा गांधी का जो सपना था आखिर इंसान की चिंता करने का, महात्मा गांधी जी की आकांक्षा थी अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को समर्थ बनाने की, मैंने अपने आप को उसके लिए समर्पित किया। और उन 8 साल का नतीजा और आजादी के इतने दशकों का अनुभव, आज 75 साल के बाद जब अमृत काल की ओर कदम रख रहे हैं, अमृत काल की ये पहली प्रभात है, तब मैं एक ऐसे सामर्थ्य को देख रहा हूं और जिससे मैं गर्व से भर जाता हूं। देशवासियों, मैं आज देश का सबसे बड़ा सौभाग्य ये देख रहा हूं कि भारत का जनमन आकांक्षी जनमन है, एस्पिरेशनल सोसाइटी किसी भी देश की बहुत बड़ी अमानत होती है। और हमें गर्व है कि आज हिंदुस्तान के हर कोने में, हर समाज के हर वर्ग में, हर तबके में आकांक्षाएं उफान पर है। देश का हर नागरिक चीजें बदलना चाहता है, बदलते देखना चाहता है, लेकिन इंतजार करने को तैयार नहीं है, अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है, कर्तव्य से जुड़ करके करना चाहता है, वो गति चाहता है, वो प्रगति चाहता है। 75 साल में संजोए हुए सारे सपने अपने ही आंखों के सामने पूरा करने के लिए वो लालायित है, उत्साहित है, उतावला भी है। कुछ लोगों को इसके कारण संकट हो सकता है, क्योंकि जब एस्पिरेशनल सोसाइटी होती है तब सरकारों को भी तलवार की धार पर चलना पड़ता है, सरकारों को भी समय के साथ दौड़ना पड़ता है। और मुझे विश्वास है, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हो, किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था क्यों न हो, हर किसी को इन एस्पिरेशनल सोसाइटी को एड्रेस करना पड़ेगा। उनकी आकांक्षाओं के लिए हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। हमारे इस एस्पिरेशनल सोसाइटी ने लंबे अरसे तक इंतजार किया है, लेकिन अब वो अपनी आने वाली पीढ़ी को इंतजार में जीने के लिए मजबूर करने को तैयार नहीं है। और इसलिए ये अमृत काल का पहली प्रभात हमें उस एस्पिरेशनल सोसाइटी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर देकर के आई है।